हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस के 500 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, आज उसका ये थर्ड एपिसोड है। और इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए थे। ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसका पीडीएफ भी आपको नीचे एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लो। वहां पर ये डेली अपलोड होगा, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये एक दुख रह जाता है। बाकी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 65 क्वेश्चन कर लिए थे, 66वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ डबल बॉन्ड। तो इन ऑप्शंस में से किस यौगिक में द्वि आबंध है? तो देखिए, जिनके भी लास्ट में एन ई लगा होता है, मैंने आपको बताया था ये एल्केन ग्रुप के होते हैं। और ये जो मेथ लिखा है, इसका मतलब एक कार्बन, और एथ का मतलब दो कार्बन, और ऐसे अगर प्रोप होता तो ये तीन कार्बन, ब्यूट होता तो चार। तो एथ का मतलब दो कार्बन यानी C2, यानी N की वैल्यू 2 है यहाँ पर। और एल्केन को हम ऐसे लिखते हैं CnH2n+2, तो N की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 × 4 और 2 × 6, ये आपका हो जाता है C2H6। तो जितने भी एल्केन ग्रुप के होते हैं उनमें केवल आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जो कार्बन कार्बन होते हैं इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके 2 कार्बन और ये आपके 6 हाइड्रोजन हो गए। बाकी जितने एल्काइन ग्रुप के होते हैं इनमें आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका एथीन, एथ का मतलब देखिए 2 कार्बन, और ई एन ई जो सफिक्स लगा है इसका मतलब एल्कीन ग्रुप का ये है। यहाँ पर अगर आप 2 रखते हो तो C2 और H 2 × 4 यानी कि आपका H4 हो जाता है। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ये 2 कार्बन हो गए और ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यही हमसे पूछा था कौन से कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एथीन। ये जो एसिटिलीन है इसी को हम लोग इथाइन कहते हैं, ये आपका एल्काइन ग्रुप का होता है, यानी एथ का मतलब यहाँ भी 2 कार्बन, और आप 2 यहाँ पर रख के देख लो तो 2 × 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही आ जाएगा। तो C2H2 ये आपका एसिटिलीन का फार्मूला हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एसिटिलीन हो गया, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड है। आगे है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लैडर के ठीक नीचे, जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये रहा आपका ब्लैडर, ये आपका ब्लैडर है, जस्ट इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका क्या है, पौरुष ग्रंथि, हिंदी में पौरुष ग्रंथि कहते हैं, और ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं इसको। ये क्या करता है कि जो भी आपके ये जो वृषण है जिसको टेस्टिकल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकल। तो इसमें जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म जिसके सहारे होकर के इस मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, जो स्पर्म होता है तो जिसके सहारे, यानी कि ये एक लिक्विड पे तैर करके बाहर निकलता है जो आपका स्पर्म होता है, तो उस लिक्विड को बनाने का काम कौन करता है? ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, पूछा था किसके नीचे, तो ये ब्लैडर के ठीक नीचे यानी मूत्राशय के नीचे पाया जाता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0°C? तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये रिपीट हो रहा है, बट हर एक स्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे नॉर्मलाइजेशन में, उनको सुविधा हो इस वजह से उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछे थे, बट क्वेश्चन अलग अलग थे। अब यहाँ पर पूछा गया है 0°C पर जो ध्वनि की गति है वो कितनी होती है, तो आपको पता है कि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम उसमें साउंड ट्रेवल ही नहीं करती है, तो सबसे कम स्पीड यहीं पर हो गई, बाकी सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद आपका लिक्विड, उसके बाद आपका गैस या फिर एयर कह लीजिए। तो अब उसी एयर में पूछ रहा है आपसे 0°C पर जो इसकी स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन आपके NCERT में इतने डाटा है और इन डाटा से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 0°C पर तो 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है, 22°C पर पूछे तो आप याद रखना 344 मीटर पर सेकेंड, और वहीं पर 25°C पर अगर पूछे तो 346 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है साउंड की। तो इतना आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी जो साउंड का है वो बढ़ रहा है, ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ रहा है, ये रिलेशन है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडंस प्लांट। तो इनमें से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है इन ऑप्शंस में से? अब एक आपका देखिए होता है मोनोकोटिलीडन और एक आपका होता है डाइकोटिलीडन, ठीक है, तो डाई जो कोटिलीडन होते हैं और मोनोकोटिलीडन, इनमें इतना अंतर आप जरूर जानिएगा। एक तो सिंपल सी बात है
कि जो डाई कॉटिलीडन होंगे उनमें दो बीज पत्र होंगे, ठीक है, टू कॉटिलीडन होंगे, और मोनो में एक बीज पत्र होंगे। बाकी मेन जो अंतर है आप पत्तियों से समझिए कि इनके जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी ऐसे लंबी आपको दिखेंगी, जैसे चावल जो आप खाते हो तो धान से आपको मिलता है ये चावल, धान की जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे लंबे लंबे होती हैं, और इनके अंदर जो वेन्स होते हैं वो पैरेलली ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो डाइकोटिलीडंस होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि इनमें ऐसे एक ब्रांच है और उस ब्रांच के भी कई सारे ब्रांच ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पत्ते के अंदर ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। यानी इनको हम बोलते हैं रेक्टिकुलर वेनेशन, ठीक है, यानी जालीदार वेनेशन होता है इनमें, और इनमें जबकि ये नहीं होता बल्कि ये पैरेलल, इनके वेन्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है। और जड़ों में ठीक उल्टा होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं ये रेशेदार होती हैं, ठीक है, ये रेशेदार होती है, मतलब काफी सारे ब्रांच बनाती हैं ये, इनकी जो जड़ें होती हैं ये आप देखोगे तो जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं, जबकि ये जो डाइकोटिलीडंस होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई तक गई हुई होती हैं, ठीक है, थोड़े गहराई में गई हुई होती हैं, बट उतने आपको रेशेदार ये इनकी जड़ें नहीं मिलेंगी। इनके जड़े टैप, इनको हम लोग कहते हैं मुसला जड़े, ठीक है, या फिर टैप रूट, और बाकी इनके जो जड़े होते हैं इनको हम लोग कहते हैं तंतुमय या फिर फाइब्रस, यानी रेशेदार जड़े होते हैं इनके। तो ये अंतर है। अब यहाँ पे डाइकोटिलीडंस प्लांट का पूछा था तो फाइब्रस यहाँ पर हमारा नहीं होता है डाइकोटिलीडंस का, यानी फाइब्रस जड़े नहीं होती है, ये तो मोनोकोटिलीडंस की होती है, तो यही गलत था और यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है। अब ये आपके कुछ एग्जाम्पल से आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि जिनके पत्ते लंबे होते हैं, तो गेहूं भी आप देख लो, चावल यानी कि जो आप धान देखते हो, बाकी मक्का, जौ, जई, आर्किड्स, वेनिला, लिजीज और ये ट्यूलिप्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, मोनोकोटिलीडंस। और मटर हो गया, राजमा, गुलाब, सूरजमुखी, मस्टर्ड, मैंगो, नीम, गुआवा, ऑरेंज, सोयाबीन, ये सब डाइकोटिलीडन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है, नेम द रेडिश ब्राउन गैस रिलीज्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड विगोरियसली। तो अब देखिए, अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं जोरदार ढंग से, लेड नाइट्रेट बोले तो PbNO3 का ट्वेस, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो विगोरियसली तो इससे आपका एक रेडिश ब्राउन कलर का, यानी भूरे लाल भूरे रंग का एक गैस निकलता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस रिलीज होती है, आप ध्यान रखिएगा। इसका कलर भी पूछा जा सकता है रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरे रंग का, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, तो क्या मेजर करने के लिए हमारे व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता होगा ये जो ओडोमीटर आप बाइक चलाते हो तो आप सामने आपके दिख रहा होता है जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये इसको आप बाहर ऐसे देख सकते हो, तो ये आपका ओडोमीटर है, जबकि इसमें ये जो आप देख रहे हो स्पीड को जो मेजर कर रहा है ये आपका क्या है, स्पीडोमीटर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास थ्रू विच प्रोसेस, तो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है बायोमास के थ्रू। अब देखिए, बायोमास बोले तो जितने भी कूड़े कचरे जो हम फेंक देते हैं कहीं पर भी, प्लास्टिक वगैरह, तो इनको हम कह सकते हैं जितने भी ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो हम कूड़े कचरे फेंक रहे हैं ना, प्लास्टिक वगैरह, तो ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये जो आपके कार्बनिक सब्सटेंस हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं ये आपका बायोमास है। जब इनका हम लोग एनएरोबिक फर्मेंटेशन कराते हैं तो मिलता है हमको बायोगैस, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैसे, अब ये इनका हम एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में फर्मेंटेशन कराते हैं, यानी इनको हम सड़ाते हैं, ठीक है, इनको सड़ाने का जो प्रोसेस होता है, अब जब इनको हम सड़ाएंगे ऑक्सीजन के अब्सेंस में तो क्या होगा कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया ना, बैक्टीरिया, ये इनका कराते हैं फर्मेंटेशन, और इससे निकलती है आपकी यूजफुल गैसेस, जैसे आपका मेथेन गैस, मेनली आपका मेथेन गैस निकलता है जिसको हम कहते हैं बायोगैस, और ये पॉल्यूशन फ्री होता है। तो कौन से प्रोसेस से हम लोग बायोगैस प्राप्त कर रहे हैं बायोमास के थ्रू, तो एनएरोबिक फर्मेंटेशन, यानी अवायवी किण्वन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो देखिए आपके चार स्टेट आपको पता है, सॉलिड हो गया आपका, और लिक्विड हो गया, और गैस हो गया, और प्लाज्मा हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है इसको खोजा था सत्येंद्रनाथ बोस ने, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि अगर हम बोसॉन नामक पार्टिकल, आपने नाम सुना होगा बोसॉन नामक पार्टिकल को, बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा करें,
यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करे तब ये हमको स्टेट प्राप्त होता है जो आप देख रहे हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये तो उतना पॉसिबल है नहीं, बट इतने ज्यादा ठंडा करने पे ये आपको पांचवा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो मिलता है, जिसकी खोज करी थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। ये भारतीय वैज्ञानिक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है ए ऑब्लिक एन डैश फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज को जलने के लिए सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, अदरवाइज वो जलेगा ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है तो जो लौ होता है, जो फ्लेम जलता है, वो किस कलर का होता है? तो ये ब्लू कलर का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने देखा भी होगा, सिंपली आप अपने घरों में भी खाना पकाते समय देखते होंगे। बाकी अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में अगर हुई, जैसे होता है ना कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब पुआल वगैरह आप जलाते हो, ऑक्सीजन जहां नहीं मिलता है उनका फ्लेम जा करके देखना, तो वो कैसा होता है? थोड़ा वो येल्लो कलर का आपको दिखेगा या फिर रेड कलर का दिखेगा, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन में हो सकता है, येल्लो या फिर रेड। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी तो ब्लू, नहीं होगी तो येल्लो या फिर रेड, राइट? आगे है नेम द फेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाइज एट द इक्विटोरियल प्लेट। इक्विटोरियल प्लेट मतलब जब गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो हमको बताना है उस फेज को कि किस फेज में होते हैं मिटोसिस के। तो मिटोसिस के चार फेज, पहला आपका प्रोफेज, दूसरा आपका मेटाफेज, तीसरा आपका एनाफेज, चौथा आपका टेलोफेज। तो इनमें जो मेटाफेज होता है, इस वाले फेज में आपके जो यहाँ पर बोल रहा है क्रोमोसोम होते हैं आप डिवाइडिंग सेल के, वो लाई करते हैं इक्विटोरियल प्लेट पर। एक्चुअली जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन वो आपका एक आपका होता है मिटोसिस और एक आपका होता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो ये जो आपका मिटोसिस होता है, इसमें सेल डिवीजन जब होता है, तो मान लीजिए एक सेल जब दो सेल में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें 46 क्रोमोसोम है, 46। तो जब ये डिवाइड हुआ तो इनमें भी 46 और 46 क्रोमोसोम गए। और लेकिन जब मियोसिस होता है तो इसमें सेल डिवीजन जब होता है, तो यहाँ पर 46 अगर क्रोमोसोम है, तो ये जब डिवाइड होते हैं तो ऐसे दो में अगर डिवाइड हुए तो इनके पास 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? तो ये जो मियोसिस होता है हमारे शरीर में, यही मियोसिस होता है। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां पर मिटोसिस ना होकर के मियोसिस होता है। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो जो स्पर्म बनता है, ठीक है, जो टेस्टिकल होता है ना, जहां स्पर्म बनता है, टेस्टिकल जो होता है आपका, वहां पर आपका मियोसिस होता है। यानी उसमें जब सेल डिवीजन होता है ना, वहां पर स्पर्म का जो सेल डिवीजन होता है, तो वो आपका 23 क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर तो 46 है लेकिन जब सेल डिवीजन होता है उसका, तो 23 क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो फीमेल होती हैं उनमें जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी अंडाशय जो होता है उसमें एग बनता है, और इस एग में भी जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर तो 46 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और जब यही दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपके जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, यही आपके बनाते हैं जाइगोट। और इसमें टोटल 46 अब आपका क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 एक तरीके से मेल का और 23 फीमेल का, यानी 23 जैसे आप कह सकते हो पिता का और 23 माता का क्रोमोसोम, ठीक है, नहीं बराबर बराबर ये मिलता है इसको। तो 46 ये जाइगोट बनता है और यही फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका एम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है, या फिर फेटस कह लीजिए आपका बन जाता है, जो कि आपका बेबी बन जाता है, ठीक है, बच्चा। तो यहाँ पर आपका मेटाफेज करेक्ट आंसर है सी, जिसमें आपका ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है डिवाइडिंग सेल का, वो लाई करता है इक्वाटोरियल प्लेट पर। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स टेक्स द प्लेस ऑफ इका एल्युमिनियम इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये भी देखिए क्वेश्चन आपका, जो मैंने ग्रुप डी का कराया हुआ है 3000 एमसीक्यू सीरीज, अभी वो कंटिन्यू होगा आगे, लेकिन इसमें आपको ये कई बार आपको देखने को मिला था। अब देखिए ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है वो आपको एएलपी में भी पूछा गया 2018 में ही, ये भी 2018 में ही पूछा गया था, ये भी 2018 में, तो कितना मैच कर रहा है ग्रुप डी के, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा मैच किया। अब यहाँ पर जो इका एल्युमिनियम था, मेंडलीव साहब जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने उनका स्थान छोड़ दिया था, और वहां पर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम बताना है। जैसे उन्होंने इका बुरान लिख करके छोड़ दिया था, तो वहां पर बाद में ये जो इका बुरान है वो स्कैडियम कहलाया, इका एल्युमिनियम गैलियम कहलाया, और इका सिलिकॉन ये जर्मेनियम कहलाया। तो हमसे पूछा था इका एल्युमिनियम, तो इका एल्युमिनियम जो आपका है वो गैलियम कहलाया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको सही से याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, आप ऊपर नीचे कर दोगे। आगे है हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई, तो हाइड्रा प्रजनन करता है, कैसे करता है ये, किस विधि द्वारा करता है?
तो ये मुकुलन द्वारा करता है बाय बडिंग, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बडिंग जब भी आपसे पूछे तो आप हाइड्रा याद रखना। बाकी अगर आप पूछे कि मल्टीपल फिजन द्वारा कौन प्रजनन करता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना एल्गी जितने होते हैं, ठीक है, ALGAE, ठीक है, एल्गी। और वहीं पर अगर हम बात करें बाइनरी फिजन यानी बाइनरी विखंडन द्वारा कौन प्रजनन करते हैं, तो ये आप याद रखना अमीबा, ठीक है, इसका स्पेलिंग आप देख लेना अमीबा, ठीक है। और पैरामीसियम, पैरामीसियम ये जो आपके होते हैं, साथ ही साथ लिस्टमैनिया आपका हो गया, ठीक है, लिस्टमैनिया, ये कैसे प्रजनन करते हैं, बाइनरी विखंडन द्वारा। और ये मल्टीपल फिजन यानी एक ही इनमें जनन अंग होता है और इससे ये कई सारे मतलब उसमें टूट जाते हैं, कई सारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना वैसे ही कई सारे एल्गी में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही बाइनरी फ्यूजन में जो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा ये भी पहले ऐसे देखोगे आप तो इनके बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी एक इधर और ऐसे ही करके एक इधर, फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ही डिवाइड हो जाता है और दो अलग अलग अमीबा बन जाता है। तो इनमें जो प्रजनन होता है वो बाइनरी विखंडन द्वारा होता है अमीबा में। ऐसे लिश्मैनिया और पैरामीसियम भी एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन के, हाइड्रा एग्जांपल है बडिंग यानी मुकुलन, और मल्टीपल फ्यूजन का एल्गी आप ध्यान रखना। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी द स्लोवेस्ट फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अब सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग एक बार कर रहे हैं, इसको बॉयल कर रहे हैं, एक बार इसको हम लोग इवोपरेट करके देख रहे हैं, एक बार इसको हम लोग फ्रीज करके देख रहे हैं, ठंडा करके देख रहे हैं, जमा करके, और एक बार कंडेंस करके देख रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस पूछ रहा है, इसमें से स्लोवेस्ट होगा, धीरे धीरे होगा। तो स्लोवेस्ट जो प्रोसेस होगा वो इवोपरेशन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये मेरा नहीं, ये बोर्ड वालों का कहना है, बट मुझे जहां तक लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी कुछ पूछना चाहिए था या फिर कुछ तो ऐसी कमी है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बताया गया कि किस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है। अब हो सकता है ये कम टेम्परेचर पर अगर हम बॉयल करें तो जल्दी ना बॉयल हो, या फिर इसको बहुत ही ज्यादा कम या फिर ज्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज करें तो होगा ही नहीं फ्रीज। हालांकि फ्रीज करेंगे जब भी हम लोग तो कम ही टेम्परेचर पर करेंगे, लेकिन कितना कम टेम्परेचर रखें वो टेम्परेचर ही नहीं दिया गया है। तो कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट, कैसे हम बता पाएंगे, तो आप बताना इसका आंसर। वैसे मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी कमी है, बट बोर्ड ने इसका इवोपरेशन आंसर दिया था। आप एक बार बताना आप क्या सोचते हो, ठीक है, कमेंट करके इसका कौन सा आंसर करेक्ट है और रीजन के साथ। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क डन। तो देखिए आप गलती से ये मत मार देना कि ये आपका एनर्जी हो जाएगा, ये कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर रेट पूछा है, दर पूछा है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो ये आपका होता है पावर, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हो कितने टाइम में कर रहे हो, तो ये आपके पावर को बताता है, यानी वर्क जो होता है या फिर जो एनर्जी होती है, वही तो आप लिखते हो पावर इंटू टाइम, ठीक है। जब ये टाइम आपका नीचे चला आता है वर्क के या एनर्जी के, तो ये पावर बन जाता है, तो कार्य करने की दर पावर कहलाती है। गलती से आप जल्दबाजी में एनर्जी मत टेक कर देना। आगे है इफ ब्लू लिटमस टर्न्स रेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन व्हाट इज इट्स पीएच लेवल लाइकली टू बी। तो यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होना चाहिए, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे नीला अंबर, नीला अंबर इसका मतलब ये है कि अंबर का मतलब अम्ल से आप ले लो यानी एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो नीला, नी फॉर नीला और ला फॉर लाल, जो नीला लिटमस पेपर होगा वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको एक पता है तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्षारीय सॉल्यूशन होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमसे क्या दिया है कि नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित होता है, तो सीधा सीधा नीला लाल में चेंज हो रहा है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। और आप जानते हो सात पे आपका न्यूट्रल होता है, उसके उससे नीचे आप जाते हो पीछे तो ये आपका एसिडिक हो जाता है, बाकी इसके आगे जाते हो तो ये बेसिक हो जाता है, तो ये आपका सिक्स यही आपका दिख रहा है जो सात से कम है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। तो ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग सूखा बर्फ यानी ड्राई आइस नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता कि 18 वोल्ट दिया है ये किसके बराबर है। अब वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर या फिर आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओम्स ला। अब यहाँ पर वी की वैल्यू गिवन है 18 वोल्ट और आर की वैल्यू गिवन है 3 ओम्स, आई की वैल्यू पुट करना है, तो 3 में हम कितने का गुणा करें कि ये 18 आ जाए, तो 6 का, ठीक है, तो 18 आ जाएगा, तो 6 एम्पियर का अगर हम गुणा करें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 एम्पियर। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत है। अब नाम का तो कार्बन डाइऑक्साइड है बट इसमें कार्बन का कितना मात्रा होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका एटॉमिक मास, इसका अगर हम देखें यानी मॉलिक्यूलर जो मास है वो आपका 12 और इसका 16 दुनिया के 32, टोटल तो आपका 44 हो गया, यानी 44 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे लिखते हैं हम लोग AMU। अब इसमें जो कार्बन है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो टोटल में ये कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली परसेंटेज निकाल लो इसका, आपको निकालने तो आता ही है। तो जब आप इसको निकालोगे तो आप देखोगे लगभग आपका 27.3 आएगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ रिलेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन, तो इनमें से इन एनिमल्स में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है यानी इंटेस्टाइन होती है, तो ये खरगोश का होता है। अगर आप बाघ यानी टाइगर डॉग और लोमड़ी फॉक्स में देखो तो इसमें जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, इसका जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, ये लंबा होता है। आगे है एन ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 2 meters, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो कार्य हो रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। अब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर उठा रहे हो, कितना मीटर यहाँ पर दिया है, यहाँ से आप इसको ऊपर उठा रहे हो यहाँ 2 meters तक, तो पूछ रहा है कि इसको उठाने में जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो नीचे काम करेगी ना, तो वो जो वर्क है वो बताना है आपको, ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क है। तो जो वर्क होता है हमको पता है ये क्या होता है, एफ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप डी लिख लो या फिर कुछ भी लिख लो, मुझे इससे नहीं मतलब होता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसे आप एस लिखते हो तो एफ इंटू एस, और ये कॉस थीटा, ये होता है आपका, ठीक है। ये कॉस थीटा मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है वो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। ये पूछा है ना कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे वर्क करता है, तो थीटा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप इसको ऊपर उठा रहे हो और वर्क आपका नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, एफ जो हमारा होता है वो mg होता है, एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, यहाँ पर जाएगा कि इसको उठा करके आप यहाँ तक ले गए तो कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 meters, 2 meters, और कॉस थीटा की जगह पर आप कॉस 180 डिग्री रख दो क्योंकि 180 डिग्री इनके बीच का एंगल है। अब आप देख लो एम की वैल्यू कितनी है, 20 kg, और जी की वैल्यू नहीं दिया है तो आप 10 ले लो, और ये 2 गिवन है, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ये आपका आ गया 20 दहा में 200 दुनी के 400, बट माइनस 1 से गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। इतना जूल वर्क हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बट माइनस नहीं, आपका केवल पॉजिटिव में आंसर दिया है यानी ये इंटरेस्टेड है केवल मैग्नीट्यूड में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर आपको माइनस दिया होता तो आप माइनस टेक करते, राइट। आगे है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम सिंपल सी बात है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम जो होता है वो केजी में होना चाहिए और जो वी है वो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो ये कहां पर लिखा है, केजी मीटर पर सेकंड, पहले ही ऑप्शन में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती हो तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। अब एक ऑब्जेक्ट है वो इस सर्किल में मूव कर रही है यानी कि सर्कुलर मोशन में है ये, तो पूछ रहा है कि इसमें से क्या चीज, कौन सा ऐसा चीज है जो चेंज होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, इनमें से कौन सा चीज चेंज होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही होती है सर्किल में, ठीक है, वृत्तीय गति कर रही होती है, तो एक चीज आप जानो कि जो गति होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, स्पीड, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो मोमेंटम, सॉरी, ये जो आप वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन आप देखो हमेशा ये बदल रही है। आप देखोगे यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे आओगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो जो बोर्ड ने आंसर दिया था, सी दिया था, कि इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगा, बाकी मास तो चेंज नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, स्पीड भी चेंज नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्या मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। पी हमारा जो होता है वो एम वी होता है, यहाँ पर मास तो ठीक है स्केलर क्वांटिटी है, बट जो वी है इसमें ये वेलोसिटी होता है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², इसमें ये जो वी है ये आपका वेलोसिटी नहीं है, ये आपका स्पीड है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी इसमें, लेकिन क्या मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। मोमेंटम में तो एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी वेलोसिटी है, तो मेरे हिसाब से तो मोमेंटम भी आपका चेंज होना चाहिए था, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने चाहिए थे, ये बी और सी दोनों, बट पता नहीं क्यों बोर्ड ने एक ही ऑप्शन को करेक्ट दिया है, लेकिन हो सकता है मैं भी गलत हूं। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या मोमेंटम भी चेंज होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल में जो बोर्ड ने आंसर दिया था वो दिया था कि डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, हर जगह पे इसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए हेयर ड्रायर है, ये आपका क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब घूम रहा है ना उसमें जो आपका मोटर लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फैन है ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और घूम रहा है, हवा दे रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल को। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है, जो विद्युत सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर आप देखे होंगे केमिकल केमिकल भरे होते हैं जिसमें आपका कुछ भी हो सकता है और वो एनायन और कैटायन बनाते हैं, तो उनसे जो चार्ज फ्लो होता है हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रिकल सेल, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर तो सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है वोल्ट से और इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। आगे है कि मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली, जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके अल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के। अब देखिए जो अधातु अधातु जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, अधातु में अ आ रहा है, इसका मतलब इनका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय यानी एसिडिक होता है। एक अगर आपको पता है कि अधातु के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं तो फिर मेटल के ऑक्साइड दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो बेसिक हो जाएंगे, जैसे आपका MgO हो गया, MgO के बाद आपका हो गया CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मेटल ऑक्साइड हैं जो कि क्षारीय नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और बाकी जितने अधातु होते हैं, सिंपल सा एग्जांपल का कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है कार्बन का, तो ये आपका अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये जो ऑप्शंस में दिए गए इंडिकेटर्स हैं, इनमें से कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो सारे के सारे जो इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं ना, ये या तो बेस और न्यूट्रल में फर्क बताते हैं या फिर एसिड और न्यूट्रल में या फिर तीनों में फर्क बता देते हैं। जैसे ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों में फर्क करके बता देता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, न्यूट्रल कौन है। और वहीं पर जो मेथिल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, ये आपका एसिड और न्यूट्रल में फर्क बताता है, और जो इओसीन है ये आपका एसिड और न्यूट्रल में फर्क बताता है, ये दोनों के दोनों एसिड और न्यूट्रल में फर्क बताते हैं। जबकि जो फिनोल्फथेलीन है ये आपका बेस और न्यूट्रल में फर्क बताता है, यानी इंडिकेट करता है। तो आप देख लो एसिड और न्यूट्रल, ये एसिड और न्यूट्रल जो सोल्यूशन है वो आपका मेथाइल ऑरेंज भी बता रहा है, इओसीन भी बता रहा है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एसिड और न्यूट्रल में फर्क बता दे रहा है। एकमात्र फिनोल्फथेलीन है जो एसिड और न्यूट्रल में फर्क नहीं बता पा रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ये तो बेस और न्यूट्रल में फर्क बता रहा है, ठीक है, ना कि एसिड और न्यूट्रल में, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मोहन्स वेट इज 40 केजी एंड ही क्लाइम्स 50 स्टेयर्स इन 10 सेकंड्स, द हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पावर ऑफ मोहन। काफी इजी क्वेश्चन है, पावर आपको बताना है। आपको पता है पावर क्या होता है, एनर्जी अपन टाइम, अभी हम लोग डिस्कस किए थे वर्क अपन टाइम, कार्य करने की जो दर होती है, और कार्य को एनर्जी भी कह सकते हैं हम, तो एनर्जी अपन टाइम। एनर्जी क्या होता है, जब कोई भी चीज ऊपर की तरफ आप देखा करो ना, ऊपर जा रहा है तो आप हमेशा सोचा करो कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है, इसको आप देखा करो, तो एनर्जी यहाँ पर हमारा हो जाएगा एम जी एच, और टाइम हमको गिवन है, ठीक है, तो आप देख लो मास आपका क्या गिवन है, ये आपका है 40 केजी, ये वेट लिखा है, लेकिन जब भी केजी लग जाए ना पीछे तो आप समझ लिया करो कि ये आपका मास है, द्रव्यमान है, भले ही वेट लिखा है लेकिन ये द्रव्यमान है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपका 40 केजी है, ठीक है, और जी नहीं दिया है तो वैसे तो मतलब दिया होता है, 10 लेकर के चलोगे, ठीक है, हो सकता है मैं लेना भूल गया हूँगा, अदरवाइज सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस 10 ले रहा हूँ यहाँ पर। और एच की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो सीढ़ी की ऊंचाई है जहां तक वो चढ़ा है 10 सेकंड में, तो ये देखिए 50 सीढ़ियां हैं, 15 सेंटीमीटर हर एक सीढ़ी की ऊंचाई है, ठीक है, तो 50 जो सीढ़ियां हैं और 15 सेंटीमीटर को आप बदल लो किसमें, मीटर में, क्योंकि हमको सारी चीजें एसआई यूनिट में चाहिए, तो 100 से आप डिवाइड कर दो, मीटर में बदल जाएगा, और टोटल कितनी है, 50 सीढ़ियां इतने मीटर की हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 50 दुनी के 100 यानी 15/2, ये आपका हाइट हो गया, तो 15/2 mgh h हो गया आपका, और अपान ये टाइम आप लिख दो 10 सेकंड में चढ़ रहा है, तो 10 सेकंड टाइम हो गया, 10 से 10 कटा, ये 2 से 40 कटा, 20 आ गया, और 20 और 15 का गुणा करोगे तो 15 दुनी के 30 यानी कि 300 वाट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम यहां से चले थे और यहां तक पहुंच गए, 300 वाट आपका आंसर आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था। जब भी आपको हाइट दिखे तो आप समझ जाया करो वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी लगना है, ठीक है। आगे है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको ग्रुप डी का जो 3000 एमसीक्यूज कराया हूँ, कि कॉनकेव मिरर जो उभरा हुआ पार्ट पेंट होता है इसमें, बाकी अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टेड सर्फेस होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर
इमेज हमारा, ये आपका फोकस हो गया, यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और इस पोल के बीच रखा, ये पोल आपका होता है यहाँ पर, तो जो इमेज है ये हम ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं, तो इमेज आपका इधर बनेगा, लेकिन ये वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रहेगा, फोकस पर, तो जो अब आपका इमेज बनेगा वो आप देखोगे कहीं इनफाइनाइट पर इधर बनेगा, तो काफी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये रियल होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हमेशा एक साथ होते हैं, और ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एक साथ होते हैं। बाकी अगर फोकस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस जो दूरी होती है उसके बीच अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो आपका इमेज बनेगा इस वक्रता केंद्र से बहुत दूर बनेगा, और ये भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन इससे बहुत दूर बनेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हो, तो अब आपका जो इमेज बनेगा वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और इसी के साइज का बनेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रख देते हो, ठीक है, दूर रख देते हो, तो अब आपका जो इमेज बनेगा वो इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, और इससे छोटा बनेगा, लेकिन रियल होंगे सारे, ये रियल और इन्वर्टेड है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं इमेज। बाकी अगर आपका इमेज जो ऑब्जेक्ट वो इनफाइनाइट पर है, कहीं इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट, तो अब आपका जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का बनेगा, और इस फोकस पर बनेगा पॉइंट साइज का। तो देखिए, जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते जा रहे हो, इमेज आपका छोटा होते जा रहा है, एक बार ऐसा रहा कि पॉइंट साइज का हो जा रहा है। बाकी एक कंडीशन है बस, जब फोकस और इस पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो इमेज आपका इस साइड बन जा रहा है, और ये आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक है, और बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, इक्वल साइज का है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो सिंपल सी बात है, मास और वेलोसिटी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे है कि विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ फॉर द न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द ग्रोइंग फेटस, तो बढ़ती भ्रूण के आधार पर पोषण के लिए, यानी कि जो फेटस होता है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हर महीने जो मादा प्रजनन प्रणाली है, इसका कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार रखता है, तो ये आपका होता है यूट्रस, गर्भाशय, ये अपने आप को हमेशा तैयार करता रहता है हर महीने, ताकि बच्चे को अच्छे से पोषण मिल सके। आगे है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर टू विच अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड, द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर, तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है, आपको वोल्ट दे दिया, आपसे पूछ रहा है कितना रेजिस्टेंस होगा, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है आई इज इक्वल्स टू वी आर ओम्स ला, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपन आई, वी की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर गिवन है, सारी चीज अपनी जगह पर है और अपने यूनिट में है, तो 2 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कंटेंड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, तो किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो चाहे वो तना हुआ रबर बैंड हो या फिर वो आपका धनुष हो, ठीक है, ऐसे धनुष, धनुष, ये धनुष है, इसमें जो इसको स्ट्रेच्ड कर देते हैं, ठीक है, ये चाहे वो आपका धनुष हो, इसमें जो आप इसको स्ट्रेच्ड कर दो थोड़ा सा, तो इसमें जो तीर कमान है, इसमें जो तीर है, इस तीर में भी, और या फिर कोई जैसे गुलेल आप बनाते हो ना, गुलेल अगर आप बनाए हो, तो इसमें ये जो आप इसको, इसके रबड़ को ऐसे ताने हुए हो, इसमें भी, इन सब में क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, और बांध में जो रुका पानी होता है, ठीक है, स्टोर्ड पानी जो होता है वो नीचे गिरना चाह रहा है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो भी चीज आगे बढ़ना चाह रहा है, अभी वहीं पर रुका हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे पेड़ में भी जो फल लटके हुए हैं ना, आम लटका हुआ है, सेब लटके हुए हैं, वो सारे के सारे उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो चाहते हैं गिरना, गिर नहीं पा रहे हैं, जब तक वो गिरते नहीं है, जब तक वो ऊपर टंगे हुए हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो गर्म करो, जल्दी से गर्म करो, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बात हो रहा है NaHCO3 का, ये जो आपका खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको जब गर्म करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ ही साथ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इतना चीज बनता है, तो आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है यहाँ से, कौन सी गैस यहाँ से निकलती है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी की वजह से देखिए सोडियम कार्बोनेट ये आपका क्या आ गया, ये आपका होता है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, और हमको ये जो हम ये बेकिंग सोडा डालते हैं, तो इसी की वजह से हमको कड़वाहट लगता है, तो इसी को दूर करने के लिए इसमें हम टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, जिससे आपकी ये जो कड़वाहट है वो दूर हो जाती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन फिलहाल में हमारा करेक्ट है, और टार्टरिक एसिड डालने पर ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है, ये जो बेकिंग सोडा था ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका बेकिंग पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है।
आगे, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट जीरो है, कोई डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल ही नहीं किया, तो फिर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच हम कंपेरिजन करते हैं, तब देखते हैं डिस्टेंस, भले ही आपने कितना ही ट्रेवल किया हो, लेकिन इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसे को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और ये ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो आपका क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है आपका, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, दोनों का यूनिट भले ही मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है. जब कुछ चला ही नहीं तो कोई वर्क ही नहीं हुआ, जीरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन. तो ये तो आप ही बताओगे, हालांकि केमिकल फार्मूला प्रोपेन इजी है. प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन, और एन का मतलब एल्केन ग्रुप का है ये. तो मुझे एल्केन, एल्केन और एल्काइन, या ताकि याद भी रख सको, ये फार्मूला चाहिए कमेंट बॉक्स में, एल्केन, एल्केन और एल्काइन का. साथ ही साथ ये जो आपसे पूछा है कि प्रोपेन का क्या फार्मूला होगा वो, ठीक है. तो ठीक है, यही तक करते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बार बार मेरे कहने पर भी मतलब आप लाइक वगैरह कर नहीं रहे हो, फिर भी चलिए ठीक है, हम इसी तरह से वीडियो भी बनाते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय.